हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू RSR फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे RSR फाइनेंस पे। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कि दोस्तों हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट आकर ज्वाइन कर सकते हो। भाई जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप को ओपन करोगे, यहाँ सर्च बार में आपको सर्च करना है RSR फाइनेंस। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ हमारा चैनल आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप, ये ग्रुप है हमारा। जैसे इस पर क्लिक करोगे ज्वाइन का नीचे ऑप्शन आएगा, जैसे ज्वाइन पे क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाओगे। तो दोस्तों, एप्लीकेशन की बात करो, एप्लीकेशन का नाम है मेमो कैश। यहाँ पे कुछ देख सकते हो, कुछ ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, 5,000 का लोन मिलेगा और टोटल फीस पड़ने वाला है 1628 रुपये, 7 दिन का ही लोन मिलेगा। अगर लोन डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है। अगर आपको अप्लाई करना तो यहाँ टर्म और कंडीशन को अप्लाई करते हुए यहाँ अप्लाई करेंगे, अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे। एंड यहाँ पे कह रहा भैया आधार पैन कार्ड फ्रंट और पैन कार्ड बैक। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चीज़ें हम अपलोड करते हैं, फिर देखते हैं भाई आगे का स्टेप। ठीक है, आइडेंटिफाई जो है यहाँ पे हमें जो है कंप्लीट कर लिया है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें कंप्लीट करना है और उसके बाद वर्क इन्फॉर्मेशन, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चीज़ें सारी की सारी कंप्लीट करेंगे, फिर देखें भाई आगे का स्टेप। अब आ चुका भैया आधार कार्ड फ्रंट, आधार कार्ड बैक। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चीज़ें हम अपलोड करते हैं, फिर देखते हैं आगे का स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आ गई है भैया बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ जाएंगे ईमेल आईडी, लोन पर्पस, मैरिट स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैन्युअली आपको डालनी पड़ेगी। तो उसको देरी न करते हुए सारी चीज़ें डालते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का स्टेप। अब आ चुके हैं भैया अपने वर्क इन्फॉर्मेशन में। तो वर्क इन्फॉर्मेशन को वर्कर डालना है। ठीक है, कंपनी नेम, कंपनी फ़ोन नंबर, कंपनी जॉब टाइटल यहाँ डाल देते हैं, कंपनी टाइटल, जॉब टाइटल। ठीक है, उसके बाद मंथली सैलरी, पे डेट, कंपनी एड्रेस, नेक्स्ट। ठीक है, लास्ट कॉन्टैक्ट रेफरेंस नंबर देना है यहाँ पर। तो इसको देरी ना करते हुए ये चीज़ हम दे देते हैं, फिर देखते हैं आगे का स्टेप। तो अब आ चुका है भैया हमारा फेस रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए ये फेस रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे का स्टेप। अब यहाँ पे आ चुका है भैया 1 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस आईडी कार्ड, पे स्लिप। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए सारी चीज़ें हम अपलोड करते हैं और उसके बाद देखेंगे आगे का स्टेप। ठीक है, तो यहाँ आ गया लोन बैंक अकाउंट एडिट का, अपलोड योर बैंक कार्ड। फिर हम बैंक कार्ड अपलोड करते हैं, फिर देखते हैं आगे का स्टेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 5,000 का लोन है, प्रोसेसिंग फीस जो लग रही है यहाँ पर साफ साफ क्लियर वर्ड में लिखा हुआ, प्रोसेसिंग फीस लग रही है जो भाई 1,350 रुपये, और यहाँ GST ये सब लगा के भैया खाते में कितने आएंगे, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है खाते में कितने आएंगे, लेकिन मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, सिग्नेचर करना है हमें और मोबाइल नंबर पर हमारे OTP आएगी, तो OTP का वेट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली जो हमारी सबमिट हो गई है। अब यहाँ देख रहा है, यहाँ लिखा हुआ 2 वर्किंग डे, लेकिन ये है 1-2 घंटे में यहाँ पर जो है हमें मैसेज आ जाएगा भैया कितने का लोन अप्रूव हुआ है, जो है वो लगेगा। तो थोड़ा दोस्तों वेट करूँगा, उसके बाद देखता हूँ क्या आता है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके डाउनलोडिंग कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है मेमो कैश,